अरे इतना लॉन्ग शॉट, अरे लॉन्ग लिया, अरे मैंने तो लिया तो नहीं भी घुस दिया यार। अरे एक पवकी कला स्तोत्र इंटरनेशनल आर्ट समिट 2022 ऑर्गेनाइज बाय पवकी कला स्तोत्र इन एसोसिएशन विद कला आरंभ। आज दूसरा दिन है और यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है स्कूल स्टूडेंट्स का, तो इनकी अलग अलग कैटेगरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आर्ट कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, और इनको इनमें जो विनर होंगे उनको आज अवार्ड्स दिए जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग वर्क छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, वेरी नाइस। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो छोटे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इसके बाद होंगे जो गेस्ट आर्टिस्ट है, सिलेक्टेड गेस्ट आर्टिस्ट है, उनके डेमोज होंगे, जो कि अराउंड 40 डेमोज होंगे। बहुत ही अमेजिंग अभी इसके बाद का जो सेशन वो है रहने वाला है। और उधर एग्जीबिशन चल रहा है, तो जो भी आ रहे हैं विजिटर वो एग्जीबिशन को विजिट कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। और इधर जो स्टूडेंट्स आए हैं वो बैठे हैं, हमारे गेस्ट आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों से दोस्त हैं। पहले सोशल मीडिया पे हम लोग फिर भी किसी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे जज कर लेते हैं, पर अब तो वो खत्म ही हो गया, तो मुझे पॉजिटिव ही बचा। आपको खाली आर्ट नहीं, ये जस्ट इस चीजें आर्ट तो सीख ही लेंगे आप धीरे धीरे, आर्ट का क्या प्रैक्टिस का पार्ट, लेकिन ये जो चीजें एक्सपीरियंस का पार्ट है, इसीलिए आपको जुड़ना पड़ेगा कलारम से। इसीलिए हम लोग, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज की, निशी और चिंता ने जो इनिशिएटिव लिया, मैं इनका कहीं भी ऐसा कोई पार्ट नहीं हूँ कि भी मैं कहीं स्टेप लगा के घूम रहा हूँ, मैं कलारम हूँ। सच्ची में मैंने बोला मैंने स्टेप लेनी भी नहीं है, और उसके बावजूद मैं इनके साथ पक्का ही हूँ। अभी इनसे मिलने का मौका मिला, नहीं ये उम्र में नहीं होता कोई भी बड़ा काम से अपने बड़ा होता है। Oh my god! एकदम खतरनाक विजय जी, मैंने बोला मालूम है पर हमारे रैप एंड वूफ और एलिफेंट ये स्पॉन्सर किया है जो IIT कानपुर में इंटरनेशनल आर्ट समिट था। कल सेलिब्रिटी आर्टिस्ट ने डेमो दिए, वो ये डेमो है, ये अमित कपूर सर का है वाटर कलर, ये सुचित्रा भोसले मैम का है लाइव पोर्ट्रेट, और ये आदित्य चारी सर का है, राजेश सावंत सर का, बहुत ही अमेजिंग वर्क, बहुत ही अमेजिंग। ये वासुदेव सर ने सुबह सबसे पहले जो डेमो दिया था लाइव पोर्ट्रेट, और ये है प्रमोद कुल्लेकर सर का, इन्होंने भी जो लाइव ऑयल में किया है, और ये है मिलिंद मलिक सर का वाटर कलर में, बहुत ही अमेजिंग वर्क, और ये है विजय बिस्वाल सर का, बहुत ही अमेजिंग वर्क है।
हमारा। तो गेस्ट आर्टिस्ट के डेमो चल रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ अमोल पवार सर। अमोल सर एंड ऑन थर्ड पोजिशन वी हैव बंडी। थर्ड पोजिशन गोज टू और यहाँ पर एमके गोयल। हेलो कैसे हो के सर? कर भी गए स्पीड, तूफान उठा दिया उन्होंने। द सेकंड पोजिशन ऑफ ग्रुप डी गोज टू द स्टूडेंट फ्रॉम द डीएवी कॉलेज कानपुर एंड द स्टूडेंट इज नैंसी जयसवाल। And the first position is Shruti Sharma. और हमने बैठते वक्त पहले सन सन की साइड देखा। सबके गुरु Kala Ara, powered by People's Life Society. On behalf of Pavaki Kala Stotra, I, Shweta Kumar, your master for of ceremony for this evening, would like to extend a very warm welcome to our chief guest, Shri Satim Satidev Pachoreji, Member of Parliament, Lok Sabha, our guest of honor, Dr. Rajshekhar Ji, Commissioner Kanpur, Shri Shyam Sundar Ji, Vasudev Kamat. जी हाँ, चित्रकार वासुदेव कामत। कला के काम से ही किसी कलाकार की पहचान एक तरह से उस कलाकार की सार्वजनिक पहचान होती है। कभी उनका पोर्ट्रेट होता है, कभी एक लैंडस्केप, कभी पौराणिक या ऐतिहासिक घटनाओं का प्रसंग चित्रण, तो कभी किसी विचार का बोध चित्र। और आज हमें उनको सम्मानित करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही, मुझे प्रसन्नता हो रही कि ऐसे कलाकार को हम सम्मानित। कहीं जीवन गौरव का पुरस्कार मिल जाता है तो एक मन में थोड़ा सा डर उत्पन्न होता है कि हम अभी वृद्ध हो गए हैं। कलाकार की कुंचला कभी वृद्ध होती नहीं, क्योंकि कलाकार की कोई भी कलाकृति जन्म लेती है तो उस कलाकार से भी अधिक आयु लेकर जन्म लेती है। मनुष्य तो केवल एक निमित्त मात्र है, लेकिन पूर्ण वसुंधरा इस बात से खुश हो जाती है कि मुझे सजाने के लिए जैसे परमेश्वर ने एक निसर्ग में अच्छी कलाकृति बनाई, उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को जो निर्माण किया है उसने भी मुझे सुंदर बनाने के लिए कलाकृति का निर्माण किया। कलाकार ही कला रसिक ही बनना मनुष्य की सही पहचान होती है और मनुष्य जीवन के
जितने भी सिविलाइजेशन संस्कृति हुई तो संस्कृति का इतिहास जो है वो दृश्य प्रमाण से, लिखने के दृष्टि से, सुनने के दृष्टि से, कला से ही चिरंतन सबको इतिहास के पन्नों में अनुभव होता है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हमारे पूर्व भी बहुत से कलाकार हुए जो आज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कला के माध्यम से जो छाप रखी इस दुनिया में वो चिरंतन रही, संस्कृति के रूप में चिरंतन रही। हम तो केवल कला के सेवक हैं। धन्यवाद। हेलो, बाय बाय बाय, सी यू सून।